अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया, मैंने मैसेज भी डाला था अपने वीडियो के कम्युनिटी यूट्यूब कम्युनिटी मैसेज में, और टेलीग्राम पे तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी दे दिए हैं। टेलीग्राम चैनल पे मेरे टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल फ्री है। चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड 1559 चल रहा है, गोल्ड तक मज़ेदार क्रैश आया कल गोल्ड में। कल हमारा सेल था तकरीबन यहाँ पे सेल था 7520 के आसपास सेल था, कल हमने 6620 पे बुक कर लिया था, तकरीबन $9 का प्रॉफिट हुआ। हमने ज़्यादा वेट नहीं किया बिकॉज थोड़ा डेटा भी था और मंडे से मार्केट थोड़ा रुका हुआ था, इसलिए मैंने क्लाइंट्स को ज़्यादा वेट नहीं करवाया और $9 का प्रॉफिट लेके हम लोग निकल गए। उसके बाद एक अच्छा क्रैश आया, तकरीबन 48 के आसपास का लो बना के वापस से बाउंस बैक आ रहा है मार्केट में, 1559 के आसपास चल रहा है। चलिए आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं मार्केट में। जैसे कि मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपने बता रखा है 1562 और 1563 के आसपास का, सब 1562 और 1564 के आसपास का रेजिस्टेंस है। 1564 ही लिखो आप, 62 में कंफ्यूज हो जाओगे। 1564 का रेजिस्टेंस है, गोल्ड का सपोर्ट है आज का 1548। एक बहुत ही ज्यादा क्रूशल सपोर्ट है 1548 का। अगर मार्केट इसके नीचे फिसला और अगर क्लोज हो गया तो एक जबरदस्त सेलिंग आएगी 1500 और 1450 तक की, ध्यान रखिएगा। हाउएवर अगर यहां से बाउंस होता है मार्केट तो वापस से $1600 जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 1548 एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। उसके नीचे क्लोजिंग होना मार्केट को एक वीकली चार्ट पे भी एक वीक जोन में भेज देगी, लेकिन 1548 के नीचे क्लोजिंग होना जरूरी है उसके लिए। फिलहाल गोल्ड का जो इंट्राडे ट्रेंड है वो वीक ही है जब तक 1564 क्रॉस नहीं होता है, और वीकली के लिए 1548 वीकली भी पॉजिटिव है जब तक 1548 के नीचे क्लोजिंग नहीं होती है। चलिए सिल्वर देखते हैं। सिल्वर देखने से पहले मुझे याद आ रहा है, लास्ट वीक मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे एक डबल टॉप का एक मसला बोला था। ये है वो चार्ट, 8 आवर का चार्ट देखते हैं, पहले इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये है 8 आवर का चार्ट। ऑफ कोर्स ये एक ट्रेंड लाइन में नहीं हुआ, बट ये 1560 के नीचे ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, तो हम मान सकते हैं कि डबल टॉप ट्रिगर हो चुका है। बट कोरोना वायरस और जो अभी मसले चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा एक कॉशियस होने की जरूरत है। हाउएवर ये ट्रिगर हो चुका है ऑलरेडी डबल टॉप, ट्रिगर होने से क्या होगा, क्या कर सकते हैं उसकी चर्चा हम करेंगे अपने वीकली वीडियो में। अभी फिलहाल मैं ये पूरा ट्रिगर नेकलाइन से नीचे क्लोज हो गया, ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है, बाकी इसको वीकली में देखेंगे। चलिए अब सिल्वर देख लेते हैं। यह है सिल्वर का चार्ट, 1771 तक का हाई बना चुका है मार्केट, 1768 चल रहा है। कल सिल्वर भी सेल था हमारा, आज का सिल्वर का रेजिस्टेंस है 1775 का। कल गोल्ड सिल्वर दोनों सेल थे हमारे, कॉमेक्स में भी और एमसीएक्स में भी। सिल्वर का रेजिस्टेंस है 1775, सपोर्ट नहीं है, रेजिस्टेंस। सिल्वर का सपोर्ट आज का है 1748 का, बहुत ही मेजर सपोर्ट है। इसके नीचे सस्टेन करता और फिसलता है मार्केट तो एक अच्छा सेलिंग आ सकता है 1720 तक का। एक चीज थोड़ा सा मैं गौर से बताना चाहूंगा, ये एक डबल टॉप जैसा मार्केट के ने बनाया है आवरली चार्ट पे, तो ध्यान रखिएगा इसके नीचे मार्केट निकली तो वीक होगा, अदरवाइज ये नेक लाइन से ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, भाग सकता है, ध्यान रखिएगा। सिल्वर भाग सकता है, डबल बॉटम है ये, डबल टॉप हमने गोल्ड में देखा था, दिस इज डबल बॉटम, डबल बॉटम की एक नेक लाइन है ये 1748 के नीचे, इसके नीचे नहीं जाता है तो मार्केट भाग सकता है सिल्वर का। चलिए अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल का चार्ट, 49 के नीचे जबरदस्त इसके अंदर एक सेलिंग आई, कल इसने अच्छा एक रिकवरी के बाद एक अच्छा क्रैश दिया जिसकी वजह से मार्केट वापस से वीक हो गई। आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस इसका देख लेते हैं, $50 ट्रेडिंग कर रहा है क्रूड ऑयल का। रेजिस्टेंस आज का 51.10 का, क्रूड ऑयल का सपोर्ट है $49 का, बहुत ही क्रूशल स्टेज में है क्रूड ऑयल। यहाँ से
अगर मार्केट टूटना शुरू हुआ और अगर टूटा तो एक अच्छा एक सेल ऑफ आ सकता है। कोरोना वायरस की वजह से जो चाइना में प्रोडक्शन हॉल्ट हो, प्रोडक्शन पे एक रोक लग रही है, प्रोडक्शन हॉल्ट हो रहे हैं, प्रोडक्शन डीले हो रहे हैं, उसकी वजह से एक ग्रोथ क्राइसिस आ रखा है जिसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है। इनफैक्ट काफ़ी कंपनीज अपना प्रोडक्शन कट कर रही हैं। कल ही न्यूज़ आई कि ह्यूंडाई ने अपना प्रोडक्शन हॉल्ट कर दिया है कोरोना वायरस के कंसर्न की वजह से। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन हॉल्ट होंगे और ये बढ़ता जाएगा तो क्रूड ऑयल में एक मंदी आती जाएगी। चलिए एमसीएक्स का लेवल देखते हैं फटाफट, आज ऑलरेडी लेट हो गया है। एमसीएक्स में क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है 3640, एमसीएक्स में क्रूड ऑयल का सपोर्ट है आज का 3494, एमसीएक्स गोल्ड का रेजिस्टेंस है आज का 40,340, एमसीएक्स गोल्ड का सपोर्ट है आज का 40,005, एमसीएक्स सिल्वर का रेजिस्टेंस है आज का 46,140, एमसीएक्स सिल्वर का सपोर्ट थोड़ा नीचे है 45,380, निफ्टी 12,000 आ गई है, निफ्टी का सपोर्ट है 11,930, निफ्टी का रेजिस्टेंस है आज का 12,060। निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है, अवॉइड कीजिएगा सेलिंग करना। मेरी पेड सर्विस लेनी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मेरे टेलीग्राम चैनल भी है जिसपे मैं अपने लाइव अपडेट्स देता हूँ, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब कल वापस अपडेट दूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।